नमस्कार, सीट तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत की नई सब्जी मंडी से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सिटी तहलका के एक दर्शक ने अभी कुछ देर पहले ही फोन कर एक जानकारी दी थी, जिसके बाद हम पानीपत की नई सब्जी मंडी में पहुंचे हैं और उस दर्शक से जुड़ेंगे। एक बैग बताया जा रहा है, उस दर्शक को अभी कुछ देर पहले ही मिला था और उस दर्शक से जानेंगे कि कहाँ से ये बैग मिला है और हालांकि इसके अंदर क्या कुछ है ये हमने भी नहीं देखा। और वो जो दर्शक है उनसे एक बार जरूर जानेंगे कि ये बैग कितनी देर पहले उनको मिला है, कहां से ये बैग मिला। तो पानीपत की नई सब्जी मंडी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा बाहर से देखिए, बैग हम आपको जरूर दिखाएंगे। वो दर्शक हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? संजय। संजय, आप ही ने फोन किया था? जी जी जी। क्या 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 बात हुई, कहाँ से बैग मिला? यो सर, मेरे को यहाँ मंडी रोड पे मिला था और मैंने उठाया, थोड़ी देर उनको बुलाया भी, वो आए नहीं। जब मैं उठा के अपनी गाड़ी में धर लिया और फिर सिटी तहलका पे फोन किया मैं आपका, गूगल से नंबर लेके। अच्छा, अंदर भी भाई कई बता रहे थे भाई कई? हाँ, इसमें कई प्रोजेक्ट हैं और जिसकी पहचान हो, काली बाइक थी इतना पता है मेरे को, स्प्लेंडर गाड़ी थी और इधर मतलब पुल की तरफ से इधर जा था इस साइड में। कितनी देर पहले मिला आपको? वो आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले, तो अभी तक कोई आसपास में कोई तलाशने के लिए आया? ना, कोई नहीं आया सर। मैं वहाँ भी खड़ा रहा बहुत देर तक, मैं उठाया भी नहीं, साइड में धर के और देखता रहा, कोई नहीं आया तो मैं उठा लाया अपना। लगता है वो भी परेशान होगा? होगा जरूर सर, जिसका होगा वो तो परेशान होगा। अगले का खुद का तो है नहीं, कंपनी का है, अपने घर से भरेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो आप यहीं पे काम करते हो? नहीं सर, मैं रोहतक का हूँ। रोहतक से आए हो? हाँ जी, यहाँ तो हम गाड़ी लेके आया करें। अच्छा, तो हमारा नंबर कहाँ से मिला आपको? मेरे को सर गूगल से मिला आपका नंबर। अच्छा, पहले मैं इसमें प्रोडक्ट पे जो नंबर लिखा था ना, कस्टमर केयर पे फोन किया हूँ लेकिन किसी ने उठाया नहीं, फिर मैं आज सिटी तहलका का नंबर लिया। अच्छा, सिटी तहलका के दर्शक हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे भाई, इसके अंदर महंगे प्रोडक्ट भी है भाई, अलग छोटे छोटे चीज के लिए आजकल अपना दीन ईमान बैठते हैं। हाँ सर, क्या करना हमें ऐसे चीज की क्या जरूरत है सर। अच्छा, जब मिल गया हम अगले को दे रहे हैं, हमें चाहिए कि बताओ, हमारा तो है नहीं, अगले का नुकसान है, अगला मजदूरी कर रहा होगा, ज्यादा ज्यादा 500 अगले की दिहाड़ी होगी बेचारे की, और इसमें पता नहीं कितना महंगा महंगा आइटम है, हमें नहीं चाहिए सर। क्योंकि आसपास यहाँ और भी लोग घूमते हैं, किसी गलत हाथ में लग जाता तो? मैं सर कम से कम 15 मिनट बाट देखा, क्या पता घूम के आओ, मैं फुटपाथ पे धर दिया था इसको, लेकिन नहीं आया तो फिर उठा लाया साथ में, क्या करूँ सर, फिर मैं आपके पास फोन किया। तो करीब आधा घंटे का समय इस बैग को हो चुका है और कई महंगे प्रोडक्ट इसमें बताए जा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील ये रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये जिसका बैग है उस तक ये पहुंच सके। और नीचे आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिया जाएगा, जिसका भी ये बैग है सिटी तहलका से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और सब्जी मंडी में ये दुकान आप देख सकते हैं, किस नंबर कितनी नंबर दुकान पे काम सर? आप अपने यहाँ ले जाओ, यहाँ से भी कोई लेना चाहे कोई नहीं सर, यहाँ से दिक्कत आ जाएगी सर, फिर यहाँ से दिक्कत आ जाएगी, आप अपने ऑफिस पे ले जाओ, मैं भाई साहब से बात कर रखा हूँ, वहाँ से हो जाओ। क्या लगता है भाई, जिसका बैग है उसके पास पहुँचना चाहिए? बिल्कुल पहुँचना चाहिए जी, जिसके पास है। परेशान होगा? बिल्कुल होगा जी, उसके पास जाना चाहिए जब संभाल गए। अभी तक कोई आया है? कोई अभी तक कोई नहीं आया। इसका हो सकता कोई पोजीशन? ये तो नहीं पता, ये कंफर्म होता तो बता ही देते सर। तो तमाम दर्शकों से अपील की वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि महंगे प्रोडक्ट इस बैग के अंदर बताए जा रहे हैं। और हो सकता है कोई नौकरी कर रहा हो वो परेशान हो, परेशान इसलिए हो क्योंकि महंगे प्रोटेक्ट है, उसकी नौकरी पर सवाल खड़े होंगे, नौकरी को भी खतरा है। और हालांकि वो भी जरूर तलाश रहा होगा आसपास, लेकिन अभी तक कोई आधे घंटे का समय हो चुका है, इस बैग को कोई लेने के लिए यहां पर पहुंचा नहीं है। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सिटी तहलका का जो नीचे नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पर आप फोन कर सिटी तहलका से संपर्क कर सकते हैं। और पानीपत की अनाज मंडी में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो दर्शक यहां पर पहुंचा था उसने पूरी जो जानकारी दी है, करीब आधे घंटे पहले वो यहां से पहुंचा था रोहतक से, वो पानीपत अनाज सब्जी मंडी में आता है और सिटी तहलका का वो दर्शक का, उसने सिटी तहलका को कुछ देर पहले ही फोन कर बताया था कि एक बैग जो है प्रोडक्ट से है, उसमें बताए जा रहे हैं कि उसे मिला है और वो चाहता है कि जिस व्यक्ति का ये प्रोडक्ट है बैग है वो इसे ले जाए। तमाम लोगों से अपील ये रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इसके अंदर महंगे प्रोडक्ट है, हालांकि हमने भी इसे खोलकर
कर नहीं देखा, कहां से वो लेकर आया था, कहां इसे लेकर जाना था, वो पहचान बताकर इसे बैग को लेकर जा सकता है। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हम इसलिए ये वीडियो की अपील शेयर करने की आप लोगों से कर रहे हैं ताकि जिसका भी ये बैग है उस तक ये बैग पहुंचे, क्योंकि कई प्रोडक्ट महंगे इस बैग के अंदर बताए जा रहे हैं और परेशान वो भी होगा, और जिस तक ये प्रोडक्ट पहुंचने हैं महंगे प्रोडक्ट इसके अंदर है। तो पानीपत की अनाज मंडी से सर क्या लगता है भाई, जिसका ये बैग है उस तक ये पहुंचना चाहिए, वो परेशान भी होगा, नौकरी भी कहीं करता होगा, भैया उससे पूछो ना जी, आप भी हो यहाँ भाई, जिस तरह से लेके आया भाई आज तक, छोटी छोटी चीजों पर लोग अपना दीन ईमान खो बैठते हैं। हाँ, नहीं देना चाहिए जिसका, ले जाए कोई दिक्कत नहीं हमें, तो दे दो जिसका है। तो तमाम दर्शकों से अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें और नीचे दिए गए सिटी तहलका के नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिसका भी ये बैग है, जिसके भी ये प्रोडक्ट्स है, वो आप इसे लेकर जा सकते हैं, इसकी पहचान बताकर वो इसे ले जा सकते हैं। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को साथ के साथ आप शेयर जरूर करते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।